हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आज हम आए हैं इस मंदिर के प्रांगण में। काफ़ी हमें पता चला, बड़ा ओकेजन है, 20th फाउंडेशन डे है यहाँ का। और दूसरा हमें पता चला, गुप्त वृंदावन धाम आ रहा है यहाँ पर, जो राजस्थान का मुझे लगता है सबसे बड़ा मंदिर होगा शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसका नाम गुप्त वृंदावन धाम, यानी क्या कारण है कि आपने इसको, यानी सीक्रेट भी है और वृंदावन धाम भी है, ये तो क्या कारण है ये इसका, ये नाम रखने का? जी बिल्कुल, जहाँ भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण, वो वृंदावन धाम कहलाता है। और भगवान कृष्ण की जो प्राचीनतम विग्रह, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, वो सारी विग्रह जो है सब देवालय वृंदावन से यहाँ जयपुर आ गए, तो इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो वो विग्रहों का दर्शन आज जयपुर में हो रहा है और पूरा विश्व के लोग यहाँ पर उनका दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भगवान श्री मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी का दर्शन करने से संपूर्ण दर्शन माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। तो ये दर्शन यहाँ जयपुर में उपलब्ध हैं। तो ये धाम गुप्त वृंदावन धाम है और यहाँ पर ये पूरे आज न केवल जयपुर राजस्थान के लोगों को बल्कि पूरे विश्व के लोगों को इस जयपुर के गोविंद देव जी और ये पूरे सारी विग्रह जो वृंदावन से आई है उनकी महिमाओं को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस जगह का नाम गुप्त वृंदावन धाम किया है, ताकि और लोगों को इसकी महिमा का पता चले। जयपुर का वृंदावन से ऑलरेडी काफ़ी पुराना एक कनेक्ट है। गोविंद देव जी कहते हैं वहीं वृंदावन से ही उनका विग्रह यहाँ पर आया था। तो क्या ये कह सकते हैं हम एक, हम हिस्टोरिकली रिकनेक्ट करने जा रहे हैं जयपुर और वृंदावन को, हम फिर से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जयपुर का रिश्ता वृंदावन से इस समय से नहीं, अगर मैं पुरानी बात करूँ, 5000 साल पुराना रिश्ता है। भगवान कृष्ण जब 5000 साल पहले वृंदावन में आए, उन्होंने अपनी लीलाएँ करी, तब भगवान वृंदावन से यहाँ जयपुर आए थे। और उस समय यहाँ पर उस जगह का नाम था अंबिकावन, जब भगवान कृष्ण, भागवतम में इसका उल्लेख आता है 34वें अध्याय में 10वें स्कंद में, कि भगवान शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आते हैं और उन्होंने यहाँ पर 3 दिन वास किया है। नंद बाबा को एक बड़े अजगर ने रस लिया, तो भगवान ने उसका उद्धार किया और वो विद्याधर मोक्ष की लीला यहाँ पर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ पर पड़े हैं। आज जयपुर में जो आमेर जो फोर्ट है के पास में, जो नाहरगढ़ फोर्ट के बीच में एक चरण मंदिर आता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं चरण मंदिर में। और नीचे जो है आमेर में अंबिकेश्वर महादेव है, जगह का नाम अंबिकावन था, जो बाद में कालांतर में इसका नाम आमेर हो गया है। तो कहीं ना कहीं 5000 साल पुराना रिश्ता भी है। और बाद में जयपुर के जो राजा, आमेर के जो राजा हुए हैं, उन्होंने बाद में जब हमारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे जिन्होंने वृंदावन का पहला मंदिर बनाया, मदन मोहन जी का, बाद में गोविंद देव जी का, तो उन विग्रहों के लिए जो मंदिर तैयार हुए वो भी जयपुर के राजाओं ने तैयार किए। आज भी ब्रज में कई मंदिर हैं जिनका नाम जयपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जयपुर का रिश्ता वृंदावन से पुराना है और जयपुर के राजा हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान कृष्ण से कि कभी जयपुर में पधारें आप, जयपुर में आपका भव्य मंदिर बने और आपकी सेवा करें। और भगवान की इच्छाओं को पूरा किया है। कहते हैं कि मुगलों का तो एक आक्रमण एक बहाना था, गोविंद देव जी को जयपुर आना था, तो भगवान गोविंद देव जी यहाँ आए हैं भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। जी, तो इसीलिए शायद देख रहे हैं हम कि जितनी युवा पीढ़ी है, एक तरफ तो कहते हैं कलयुग है, कलयुग में कहते हैं कि भगवान का नाम जपने वाले कम हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मंदिरों में लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही हैं, वृंदावन धाम चले जाइए आप, बद्रीनाथ चले जाइए, यानी जितने भी ये रिलीजियस स्पॉट्स हैं, वहाँ पर यूथ की जो संख्या है वो इतनी भारी है कि देखकर लगता नहीं है कि कलयुग के बारे में जो बोला है वो सही है। तो क्या कारण है कि कृष्ण और यूथ का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कैसे हो रहा है? देखिए, यूथ डेफिनेटली हमारा अभी चेंज आ रहा है यूथ में, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है प्रभुपाद जी की प्रेरणा से। आज पूरी दुनिया में जब प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया है, और जब विदेशी लोग, जब विदेशों से यहाँ भारत में आकर उन्होंने यहाँ पर भगवान के नाम का प्रचार किया है, और उन लोगों ने जब भगवान के नाम भगवद गीता का अध्ययन करते देखते हैं लोगों को, विदेशी लोगों को जब करते देखते हैं, तो यूथ उसे बहुत प्रभावित हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे जो मंदिर से जो जुड़े भक्त हैं पिछले 20 सालों से जयपुर में भी, इवन हमने पिछले 50,000 से अधिक यूथ को हम लोगों ने टच किया कॉलेज में जाके उनको, तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूथ भी जो है आज की डेट में अवेयर हो रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहा है कि वास्तव में हमको जो है अपने आध्यात्म के मार्ग से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य में को प्राप्त करने में उनको मदद मिलेगी। तो ये जो कहीं ना कहीं यूथ जो है इस तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है और सही मार्ग पर चलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, हमारा जो एक टॉप जो क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं IITs, IIMs, आप खुद कहाँ दिल्ली FMS से पास आउट हैं,
तो यानी ऐसा भी कह रहे हैं कि कृष्ण क्या इंटेलेक्चुअल्स को ले रहे हैं, गीता भी लिखी फॉर इंटेलेक्चुअल, यानी ये इसके पीछे क्या कारण है कि सारी टॉप लेयर है जो वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं 4th अध्याय में कि इदम राज ऋषियों विदु, ये भगवद गीता भगवान जो है कह रहे हैं कि ये राज ऋषियों के लिए है। और राज ऋषि मतलब पहले के जो किंग्स थे, जो लीडर्स थे, वो भी एक ऋषि मतलब एक सेंटली पर्सन के जैसे थे। तो भगवान अर्जुन को जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो वास्तव में समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो यदि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो यदि इस गीता ज्ञान को लेंगे और तब समाज की सेवा करेंगे, तो समाज में एक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो वास्तव में भगवान ने 5000 साल पहले भी गीता ज्ञान अर्जुन को दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस ज्ञान को, जब बंगाल में गवर्नमेंट थी, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो चीफ मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, उनको शिक्षा दिया, उन्होंने गोविंद जी की पूजा की वृंदावन में, रूप गोस्वामी ने। मद्रास के जो चीफ मिनिस्टर थे रामानंद राय, उनको उन्होंने भगवद्गीता की शिक्षा दी। और तो इस ऐसे लोगों को चैतन्य महापुरु ने भी शिक्षा दी है ताकि वो समाज को एक परिवर्तन लेके आए। और प्रभुपाद जी ने भी, आप देखें समाज के जो नेतृत्व हैं आज, जॉर्ज हैरिसन जो फादर ऑफ पॉप म्यूजिक कहलाते हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनको यूरोप में लंदन में उनको ये गीता का संदेश दिया, और उन्होंने बाद में ये गीता का और कृष्णा बुक को लिखने में, उसको प्रकाशित करने में योगदान दिया। और बाद में उन्होंने बहुत सारे कृष्ण के भजन भी गाए और जो पूरे यूरोप में फैल गए, और पूरे यूरोप इससे प्रभावित हुआ और हरे कृष्णा जो है हाउस होल्ड नेम बन गया, सब लोग जो हरे कृष्ण के बारे में जागरूक हो गए। तो कहीं ना कहीं समाज का जो नेतृत्व है, प्रभुपाद जी ने जो अल्बर्ट फोर्ड हैं जिन्होंने पहली कार बनाई पूरी दुनिया की, उनके जो ग्रैंडसन हैं हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन अल्बर्ट फोर्ड, वो आज हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हैं और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं कलकत्ता के पास मायापुर में, चैतन्य महापुरुष की जन्मभूमि में। तो विश्व की जो नेतृत्व हैं, जो लीडर्स हैं, उनको यदि भगवद्गीता ज्ञान मिले तो समाज को एक अलग दिशा मिल सकती है। कहते हैं भगवान गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं पूरा समाज उसका पालन करता है। तो डेफिनेटली ज़रूरत तो आज समाज में ऐसी है कि नेतृत्व को ही समझाया जाए, और कहीं ना कहीं गीता को समझने के लिए भी एक बुद्धि की आवश्यकता है। खैर, भगवान की कृपा किस पे होती है हम इस पे निर्णय नहीं कर सकते, केवल IIT नहीं गीता समझ सकते हैं। कोई भी जो भगवान की भक्ति रखता है और भगवान की भक्ति को भाव के साथ वो गीता को पढ़ने का प्रयास करता है, प्रभुपाद जी के दिशा निर्देशन में गीताओं को पढ़ने के लिए भगवान ने गीता में समझाया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। गीता पढ़ने का तरीका क्या है कि जो गीता को जानते हैं, जो परम प्रमाणिक आचार्य हैं, उनके पास विनीत भाव से हम्बली हम उनके पास अप्रोच करें, इंक्वायरी करें, क्वेश्चन आंसर करें और समझें, तो गीता समझ में आ सकती है। यानी आज हम एक और चीज़ देख रहे हैं, दो चीज़ें। तो पहले तो गीता हम देख रहे हैं वर्ल्ड अक्रॉस, यानी गीता के मैसेजेस गीता स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो रही है, इंटरनेशनल गीता पे यहाँ पर भी डिबेट हो रही है, काफ़ी स्कूल्स ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो जान सकते हैं कि कलयुग में क्या गीता का एसेंस समझ में आ रहा है संसार को, कि इतनी वाइड पॉपुलैरिटी जिस तरह से गीता की हो रही है वर्ल्ड अक्रॉस भी और इंडिया में भी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, गीता महात्म्य में आता है एक श्लोक, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, पूरी दुनिया के लिए एक ही शास्त्र पर्याप्त है भगवद गीता, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने पूरे वेदों का सार, वेदेषु सर्वे अहम् वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह, भगवान ने सारे वेदों का सार इस भगवद गीता में 700 श्लोकों में प्रस्तुत कर दिया है। तो ये वेद हैं किसी एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों ने नहीं, ये पूरी मानवता के लिए है। और ये जो वेदों का सार गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए दिए हैं, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पढ़े जाने वाली कोई पुस्तक है तो भगवद गीता है। आज दुनिया की हर भाषा में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से, और पूरी दुनिया में लोग उसको उनको उपलब्धि कराया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है। अभी गीता जयंती आने वाली है, 5000 साल पहले भगवान जो गीता सुनाई महाभारत के युद्ध में, आज उसकी जयंती पर पूरे विश्व में एक मैराथन की जाती है, गीता मैराथन, जहाँ पर सैकड़ों लाखों लोगों तक गीता पहुँचाने का प्रयास उसमें किया जाता है, और लोग ले भी रहे हैं और गीता पढ़ भी रहे हैं, और इसलिए आज गीता पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने पुस्तक बन चुकी है लोग, और आप जैसे बता रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन साइंस ऑफ सोल कहीं मिसिंग है, कि वास्तव में हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि हम लोग कौन हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, व्हाट इज़ आवर रियल एग्जिस्टेंस, कि हु वी आर रियली, हमारा वास्तविक वजूद क्या है, तो उसको जानने का जो माध्यम है भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, इस प्रकृति से क्या रिश्ता है,
ये संसार क्या है, इसको कैसे चलाया जा रहा है, सारे नियम उसको बताए। जी, जैसे कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो कुछ गीता कुछ उसका भी इजी वे में उसको किस तरह से लोगों तक जाना है, तो लगता है ऐसा कुछ भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग ऐसा भी करते हैं। प्रभुपाद जी ने ही भी गीता को सरल भाषा में करने के लिए गीता सार या गीता की राज विद्या, जन्म मृत्यु से परे, प्रश्न उत्तर, छोटी छोटी पुस्तकें बुकलेट्स के रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं ताकि लोग उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समझ सकें। तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और भागवतम के आधार पर करीब 80 बुक्स टोटल लिखी है और बहुत ही सरल भाषा में है। इवन संस्कृत को भी प्रभुपाद जी ने दुनिया की हर भाषा में संस्कृत को ट्रांसलेट हो गया है, उसके एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया गया, उसका परपट उसका तात्पर्य भी समझाया गया है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जो आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका म्यूजिक, ये जो एक है डिवोशनल म्यूजिक ही बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, अब यानी ये तो आजकल रील्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं कि कहीं US हो, रशिया हो, जर्मनी हो, कहीं पर भी डिवोटीज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वृंदावन में आकर नाच रहे गा रहे हैं, तो ये जो म्यूजिक है ये ग्लोबल म्यूजिक कैसे बना, यानी इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? डेफिनेटली इंस्पिरेशन चैतन्य महाप्रभु से है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले भारत में इस संकीर्तन आंदोलन को स्थापित किया, संकीर्तन के पितरो वो संकीर्तन के संस्थापक हैं, और उन्होंने पूरे भारत में स्थापित किया और उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि पृथ्वी ते याचे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो, ये पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी पर इसका प्रचार होगा। और उन्होंने बोला कि इसके लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, तो वो सेनापति भक्त हैं वो प्रभुपाद जी हैं जिनकी चर्चा भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। उन्होंने बोला 5,000 साल बाद मेरा मंत्र उपासक भक्त आएगा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो जिनके बारे में प्रभुपाद जी के बारे में भगवान कृष्ण भी चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष महाभागवत भक्त हैं प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरी दुनिया में इस हरे कृष्णा का प्रचार किया है। और लोग वास्तव में, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लोग जब हरे कृष्ण का जप करते हैं उनको शांति मिलती है, उनको मन को शुद्धता मिलती है, पवित्रता मिलती है, तो वो लोग इसको करके आनंद प्राप्त करते हैं और वो लोग कर रहे हैं। आज किसी भाषा के लोग जो हैं इस हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ है तभी तो कर रहे हैं ना। अगर उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होगा तो क्यों करेंगे। वास्तव में उनको उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है और भगवत प्राप्ति हो रही है, तो उसको करके वो प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि कलयुग में सिर्फ नाम जप ही है जो आपको एक वो सोलेस दे सकता है, तो इसके पीछे भी कुछ कथा कहानी है? हाँ बिल्कुल, कलयुग का जो विधान है शास्त्रों में बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो ये पुराणों में लिखा गया है कि इस कलयुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हमारे मंदिर के भी जो मुख्य द्वार पर ये श्लोक लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि केवल हरि नाम, तो हरि नाम को पूरे भारत में चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं और पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी उसको लेके जाते हैं। तो ये हरि नाम जो है कलौ तद हरि कीर्तना, भागवतम में भी लिखा है कि कलयुग में केवल कीर्तन की विधि है, तो ये विधि प्रमाणिक है और प्रभावी है और लोग उसको खुद प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। कहते थे कि भगवान का नाम उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी जो है ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, राम का नाम उल्टा लेने से, तो कुछ लोग कह सकते नहीं तो त्रेता युग की बात है अभी कैसे होगा, लेकिन अभी इस कलयुग में भी विशेष बताया शास्त्रों में कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव होगा। तो ये नाम का प्रभाव आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में नाम जप किया जा रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि वो सारी बुराइयों को छोड़ के, सारे जो मेटलिस्टिक जो थॉट्स को छोड़ के इतनी शुद्धता को प्राप्त कर रहे हैं कि पूरी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति को ढल गए हैं, विदेशों में भी संस्कृति का प्रचार करने में वो आगे आ रहे हैं और भारत में भी आपको हमारे धाम में मिल जाएंगे, वृंदावन मिल जाएंगे। अब जैसे एक तो हम लोग यानी यूथ की बात करें तो एक सेगमेंट है जो वाकई काफ़ी स्पिरिचुअल होकर टेंपल की तरफ आ रहा है, अगर हम एक बड़ा सेगमेंट ऐसा देखें कि जो आज भी मटेरियलिस्टिक है, वो ही इज़ रनिंग समवेयर, कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं पता है, लेकिन एक तरफ हम बात करें हम हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो जो यूथ है जो उस तरफ जा रहा है उसको इस तरफ लाने के लिए ये जो आप गुप्त वृंदावन धाम लेकर आ रहे हैं, ये कुछ बीच में एज अ ब्रिज काम करेगा? बिल्कुल आपने सही बोला है, बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है ये। आज की डेट में कहते हैं कि बड़े बड़े मॉल सबको आकर्षित करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं जहाँ बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ा अट्रैक्शन हो, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और एक बहुत बड़ा हमारी संस्कृति को बढ़ाने वाला एक केंद्र बनेगा, जहाँ पर ना केवल भगवान की राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की विग्रह होगी, बल्कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को थीम पार्क, लीला कृष्ण लीला थीम पार्क होगा, डिजिटली और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके
हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे, हमारे कल्चर को, हमारे जो वैल्यूज़ को, रामायण महाभारत की शिक्षाओं को। और साथ ही यहाँ पर वैदिक लाइब्रेरी होगी, एक्सपो होंगे, कैसे जयपुर का हिस्ट्री जो है कि यहाँ पर गुप्त वृंदावन है, गोविंद जी यहाँ पर आए हैं, तो उसको बताएंगे। और साथ ही साथ जो हैं, जो हमारे कल्चर के जो जो लोग फॉलो करते हैं, हम वाई वी फॉलो, व्हाट वी डू, वाई वी डू, वो सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे कि कैसे हमारी संस्कृति बहुत ही साइंटिफिक है और उसका पालन करने से व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा, जीवन बहुत ही हमारा बहुत बेहतर बन जाएगा जी। अभी जैसे वाकई यूथ बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं कि कृष्ण राधा के साथ उनका विवाह हुआ था नहीं हुआ था, कृष्ण बलराम सगे भाई थे या कजिन्स थे, यानी इस तरह के डिस्कशन सोसाइटी में काफ़ी चलते रहते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या ये जो नया सेंटर आ रहा है ये इस तरह के जो जो ये ऐसी क्यूरियोसिटीज़ हैं लोगों के माइंड में जानने के लिए उसका आंसर दे पाएंगे? डेफिनेटली, ये टेम्पल जस्ट एक वर्शिप का प्लेस नहीं है, यहाँ पर ये पूरा एजुकेशनल सेंटर तैयार हो रहा है, ये एक किसी यूनिवर्सिटी से भी कम नहीं है। यहाँ पर आए बड़े बड़े हॉल्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं जिसपे बहुत सारी क्लासेस सेमिनार्स होंगे और बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस होंगी और इवन थिएटर्स होंगे जहाँ पर हम लोग अपने इन कल्चर को बहुत ही साइंटिफिकली प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह की आप बात कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भांडीर वन ब्रज में ब्रह्मा जी स्वयं आकर के राधा कृष्ण का विवाह करते हैं। खैर, राधा कृष्ण का जो संबंध है वो शाश्वत है, कहते हैं कि राधा रानी जो है भगवान की शक्ति है, अलादमी शक्ति, तो इंटरनल पोटेंसी राधा रानी है, कहते हैं शक्तिमान जो है शक्ति के बिना नहीं हो सकते और शक्तिमान शक्ति जो है शक्तिमान के बिना नहीं हो सकती, तो वो अटूट संबंध है राधा कृष्ण का। इस दुनिया में भगवान अपने धाम में नित्य रहते हैं, इस दुनिया में भगवान को आकर के विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, खैर लोकाचार के लिए भगवान ने विवाह भी किया है, तो वो राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी स्वयं कराते हैं, तो ये लीला भांडीर वन में हुई है जी। और कृष्ण बलराम का जो बोलते हैं कि वो कजिन्स हैं, रियल ब्रदर्स हैं, इसके पीछे भी काफ़ी इन्हें बहुत सारे डिस्कशंस चलते रहते हैं, इसकी क्या इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली जो बलराम जी हैं वो भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है आध्यात्मिक जगत में और कृष्ण बलराम साथ ही हैं, एक्चुअली देखा जाए दोनों ही बराबर बलशाली हैं, बस रंग का अंतर है, दोनों ब्रदर ही हैं, इटरनल ब्रदर्स हैं, लेकिन भगवान जो हैं बलराम जी कृष्ण से पहले आते हैं, बलराम जी जो हैं बड़े भाई हैं और उनका बेसिकली वो रोहिणी गर्भ में बाद में जाते हैं, पहले वो देवकी के गर्भ में आते हैं, वसुदेव और देवकी की संतान ही है, सातवीं संतान, बाद में योग माया के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र कर दिया था रोहिणी के गर्भ में जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, तो इस तरीके से रोहिणी के पुत्र भी कहलाते हैं बलराम जी, लेकिन मूलतः वो देवकी वसुदेव के ही पुत्र हैं, तो वो सातवीं संतान है देवकी की और आठवीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण आए हैं और वो जो सब जानते हैं कि मथुरा में जेल में प्रकट हुए हैं और जेल में प्रकट होते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि भगवान ने कि मैं स्वयं भगवान हूँ और आपकी वरदान भगवान ने दिया था कि वो तीन जन्मों में उनके पुत्र के रूप में आएंगे, तो भगवान जो है स्वयं आते हैं देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में और उनको बोलते हैं कि मुझे तुरंत आप यहाँ से गोकुल लेके जाइए, तो रातों रात भगवान गोकुल ले जाते हैं। तो आज जन्माष्टमी केवल यहाँ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बन रहा है, आज इस्कॉन के माध्यम से हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और लोग जो है भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवान क्यों आते हैं संसार में, यदा यदाई धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, भगवान इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं और भक्तों को बचाने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, तो भगवान जहाँ पर भी आते हैं वो जगह धाम बन जाती है, तो कृष्ण भगवान जहाँ आए मथुरा धाम में आए हैं, लेकिन आज भगवान जो हैं उनके विग्रह के रूप में स्थापित होते हैं, तो मंदिर भी धाम से कम नहीं है, यहाँ गुप्त वृंदावन धाम में स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण जी आएंगे और कृष्ण बलराम जी और ऑलरेडी विराजमान यहाँ पर हैं, और तो ये धाम विग्रह कौन से होंगे यहाँ? यहाँ पर राधा श्याम सुंदर की विग्रह होंगे और कृष्ण बलराम जी के होंगे और गौर निताई के विग्रह होंगे, साथ में बहुत सारी जो मैंने बताया कि इसमें केवल भगवान की विग्रह की पूजा के अलावा भी बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी जिससे लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में जागरूक किया जाए। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोग जिस देखते हैं राजस्थान को टूरिज्म हब के हिसाब से देखते हैं, कल्चरल हब के हिसाब से देखते हैं, तो वो ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग मिलेगी, लोगों के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी इस कल्चरल सेंटर के आने से। बिल्कुल, आज यहाँ पर ये जो गोल्डन ट्रायंगल है आप टूरिज्म का, जिसमें जयपुर भी एक हिस्सा है, तो लाखों लाखों लोग, मतलब 50-60 लाख लोग जो हैं हर साल आते हैं, तो जनरली लोग यहाँ पर आके लगता है कि जनरली वो
या तो कुछ सपेरे को आकर देखेंगे, उनको लगता है कि ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन वास्तविक भारतीय संस्कृति यहाँ पर, यहाँ के जो राजा भी धार्मिक रहे हैं। सिटी पैलेस में आप जाइए, जयपुर को बने हुए 300 साल पूरा हो गया है, यहाँ के राजा ने अपने महल में भगवान गोविंद देव जी को विराजमान करवाया है। तो ये इतिहास बताना जरूरी है कि कितने धार्मिक राजा यहाँ पर, उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए भगवान के लिए। और तो वो उस इतिहास को जोड़ने के लिए, पूरी दुनिया को उस इतिहास को बताने के लिए ये एक बहुत बड़ा केंद्र होगा, उस ऐतिहासिक केंद्र होगा, और सैकड़ों सालों के लिए यहाँ पर इस संस्कृति का प्रचार होगा। तो ये एक अपने आप में एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को एक फ्यूजन इसमें किया गया है हमारी जो इस मंदिर में, ना केवल वास्तुकला को लेकर के, जो आर्किटेक्ट को लेकर के, और बल्कि यहाँ पर जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसको भी हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को अवेयर करने में यूज़ किया जाएगा, चाहे वो 3D एनिमेशंस हों, चाहे वो आज का लाइट एंड साउंड शो हो, वो सबको इस्तेमाल करेंगे। एक जैसे आपने जो बोला मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो दोनों चीज़ें हैं, जो एडुकेशन है उसमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। प्रभु बच्चे जब पढ़ते हैं, पहले कभी पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 9 प्लैनेट्स होते हैं, बेटे के टाइम तक वो आ गया 8 प्लैनेट्स होते हैं, अब आ गया 7 प्लैनेट्स होते हैं। तो क्या आपका ये ऑडिटोरियम इसमें करेगा क्लैरिफाई कितने प्लैनेट्स होते हैं? वो लोग बड़े कंफ्यूज हैं, हर बुक अलग अलग बता रही है उनको। बेसिकली ये तो है, अभी मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो एजुकेशन थॉट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटल है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो परंपरा प्राप्त है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और वो स्वयं भगवान ने उसको दिया है, वेदों को, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारद जी से वेद व्यास जी से जो है ये मध्वाचार्य जी के पास आता है, चैतन्य महाप्रभु के पास आता है, 6 गोस्वामियों के पास आता है, और उसी परंपरा में 32वें आचार्य प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी ने आज पूरी दुनिया को, दुनिया की हर भाषा में इस ज्ञान को उपलब्ध करवा दिया है। तो उसमें जो ज्ञान है हमारे वेदों में, वैदिक प्लैनेटोरियम, उसमें भागवतम में 5वें स्कंध में आता है कि कैसे पूरी सृष्टि की रचना हुई है, कैसे पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ग्रह नक्षत्रों की रचना है, और कैसे वो खगोलीय जो ज्ञान है, तो उसमें हमारा जो वैदिक प्लैनेटोरियम इवन मायापुर में भी आ रहा है, और इवन यहाँ पर जो चंद्रोदय मंदिर तैयार हो रहा है वृंदावन में, दुनिया सबसे ऊँचा मंदिर, उसमें भी हम लोग पूरा ये ज्ञान देंगे वैदिक प्लैनेटोरियम का, कैसे ये पूरा प्लैनेट्स वर्क कर रहे हैं और कितने प्लैनेट्स हैं। तो एग्जैक्टली लोगों को समझ में आएगा कि जो हमारा वैदिक मॉडल है हमारे प्लैनेट्स को लेकर के, हमारे ब्रह्मांड की रचना को लेकर के, उसको पूरे दुनिया को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि ये ब्रह्मांड कोई धमाके से नहीं बना है, ये कोई बिग बैंग नहीं था, ये एक बिग ब्रेन था, और बिग ब्रेन है, था नहीं, वो है, जो ना केवल उसने बनाया है बल्कि उसको चला भी रहे। तो बिग बैंग को चैलेंज करेंगे तो जो पूरा वर्ल्ड अक्रॉस, वो वहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे हम करेंगे उसको रिजॉल्व? नहीं, प्रभुपाद जी ने उस जमाने में भी पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जा करके उन लोगों को बताया कि कभी मून लैंडिंग जो है कभी सक्सेसफुल नहीं थी 50 साल पहले, और आज वो सामने आ रही है धीरे धीरे, लोगों को पता चल रहा है कि वो कभी एक कहानियाँ थी, क्योंकि रसिया और अमेरिका के बीच में एक बड़ा कंपटीशन था, इफ़ यू कैन नॉट मेक इट यू कैन फेक इट, तो वो फेक मूवी तैयार हुई है, और वो धीरे धीरे दुनिया को पता चलेगा कि वो कभी मून लैंडिंग नहीं है। एक और चीज़, जैसे कृष्ण को आज के टाइम पर कहते हैं ना, कृष्ण सारथी बनकर चलेंगे आपके साथ, है ना, इस तरह से अर्जुन और इनकी कहानी है कौरवों की, कि इतनी बड़ी सेना, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना चूज़ किया, तो ये मैसेज कैसे देंगे कि आज के टाइम पर लोग बोलते हैं नहीं ठीक है करने दीजिए, जो करना है करने दीजिए, कोई नहीं देखता, लेकिन वो हमारे यहाँ के महाभारत से साक्षात एक मैसेज मिलता है, तो लोगों को कैसे समझाएं कि कृष्ण आपका सारथी बनते हैं, यानी फॉलो हिम, यानी ही विल कनेक्ट विद यू, तो इसका कुछ यहाँ से कुछ मैसेज? बिल्कुल, अर्जुन जो है पूरी तरह से व्यथित थे महाभारत में कि वो युद्ध करे या नहीं करे, पूरे कन्फ्यूज थे, तब उन्होंने पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, उन्होंने कहा शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रबन्धम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। भगवान ने पूरा गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं, और फाइनली भगवान अर्जुन बोलता है कि मैं आप जो बोल रहे हो फाइनली मैं उसको एक्सेप्ट करने वाला हूँ। भगवान ने अंतिम श्लोक भी गीता का यही है, जहाँ कृष्ण है जहाँ अर्जुन है वहाँ विजय निश्चित है। तो जीवन में हम यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी सारी बुराइयों पर जीत हासिल करना चाहते हैं, हमारी ये सारी नेगेटिविटी पर जीत हासिल करना चाहते हैं, जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण भगवान जो है गीता में बोलते भी हैं कि मदाश्रया योगम युंजन मदाश्रया, हे अर्जुन मेरा आश्रय लेते हुए, मेरी शरण ग्रहण करते हुए योग का पालन करो। तो हम भक्ति योग का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनका नाम का जप करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही साथ आज कृष्ण कहते हैं गीता में
कि एवं परंपरा प्राप्तम, गीता को यदि समझना है तो परंपरा से प्राप्त करिए। और आज पूरे भारतवर्ष में चार प्रमाणिक परंपराओं में से एक ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव परंपरा है, जिसमें प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तक दुनिया की हर भाषा में उपलब्ध हैं, और उनके जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्हीं गीता को, भगवद गीता यथारूप को, एज इट इज़ को पूरी दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है गीता को, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप निकटस्थ मंदिर में आप जाइए, हरे कृष्ण मंदिर में, वहाँ जा करके आप जो है गीता का ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इवन हम ऑनलाइन भी आज की डेट में हमारे वृंदावन धाम से भी सारी क्लासेज हो रही हैं भगवद गीता के ऊपर, तो आप गीता समझ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का को अपने सारथी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण भगवान हम सबसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान महापोहनम च। ये अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं ही सबको याद दिलाता हूँ, मैं ही सबको भुला देता हूँ। तो हमारे जीवन में जो सद विचारों को भगवान हमको याद दिलाएंगे, हमको सही मार्ग पर लेके जाएंगे, तो कृष्ण भगवान यदि हमारे सारथी बन जाएंगे तो हमारी विजय निश्चित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कलयुग में भगवान कृष्ण जो है संकीर्तन के रूप में आए हैं, कृष्ण नाम के रूप में आए हैं, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो नाम का यदि शरण लें, कृष्ण की शरण लेने मतलब कृष्ण के नाम की शरण लेना, तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं श्री कृष्ण का संकीर्तन जहाँ पर भी हो रहा है, उन लोगों के जीवन में बुराइयों पर अंत हो रहा है और उनकी सच्ची विजय वो हासिल कर रहे हैं अपनी बुराइयों पर। लोग अपने मन से नहीं जीत पा रहे हैं, हम लोग चांद पे पहुँचने की बात कर रहे हैं, हम मंगल पे जा रहे हैं, हम सेटेलाइट भेज रहे हैं, पूरी दुनिया को, अंतरिक्ष को हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मन को कंट्रोल करने की जो विधि भगवान गीता में नहीं है कि मन त्रायते थी मंत्र, जो मन को शांत और शुद्ध करने का प्रक्रिया है भगवान का नाम का जाप करना। तो नाम का अभ्यास करने से, अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा अभ्यास करना है भगवान के नाम का। तो अब सभी से सरल अभ्यास है, आप सरल ABCD फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके आप एसोसिएट करें गुप्त वृंदावन धाम। अगर मंदिर में नहीं आ सके तो कम से कम हमारे सोशल मीडिया में आकर के आप हमारे जो गीता पर जो प्रवचन जो लेक्चर्स हैं जो टॉक्स हैं उसको आप सुनें, चर्चा करें, क्वेश्चन आंसर करें और भगवद्गीता पढ़ें, चैंटिंग करें। आज दुनिया पूरी बिजी है चैटिंग करने पर, आज सोशल मीडिया लोग 5 घंटे 10 घंटे बिता रहे हैं, तो कहीं इतनी चैटिंग कर रहे हैं, इतना सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इतना समय हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा समय भगवान का चैंटिंग करने में दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा जो है जीवन में हमें शांति प्राप्त होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, शांत होगा और वास्तव में हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली है, चैटिंग नहीं चैंटिंग करें। और अब यानी आगे का यूथ काफ़ी कंफ्यूज है, चैटिंग करते करते चैंटिंग तो वो भूल जाता है, वो ये भी नहीं जानता कि भक्ति करे कैसे, उनके सामने ये भी क्वेश्चन है, मंदिर जाएं नहीं जाएं, सुबह उठें नहीं उठें। आधे लोग बोलते हैं हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, उनकी पूजा कर लो तो प्रभु की पूजा हो जाएगी। तो कलयुग में भक्ति क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए उनको? कलयुग की जो भक्ति है बहुत सरल है, हम देखो पूरी दुनिया में ये फॉलो हो रहा है, मैंने जस्ट थोड़े पहले ABCD बताया, तो ये सरल ABCD, इसको फॉलो करके हम लोग भक्ति को कर सकते हैं। इसके लिए ठीक है, आप मंदिर नहीं भी आ पा रहे महीने में या एक बार आप वीक में एक बार आ गए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो ABCD रोज़ फॉलो करना है, अर्थात जितना आप एसोसिएट कर सके डिवोटी से। आज डिवोटीज टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप, डिवोटी साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं। तो आप एसोसिएट करिए, मेन तो जो है जो भगवद्गीता को आप समझना है साथ में, A4 एसोसिएशन, B4 बुक्स, आप जो हमारे जो शास्त्रों में जो ट्रू नॉलेज दिया गया है, कैसे हम सेल्फलाइज करना है, लाइफ का गोल क्या है, कैसे हम लाइफ को मैनेज करना है, जो रियल फिलोसफी भगवद्गीता की, हमारा जीवन में क्या कर्म होना चाहिए, क्या धर्म है, वो सारा चीज़ भगवान ने समझा है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है ताकि हम भगवान को भूले नहीं। तो ये जो धर्म है भगवान ने सिखाया है बहुत सरल है, ये कर्मों को करते हुए भी, अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम लोग जो हैं भगवान कृष्ण को जो है अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें, कि वो सारा नियंत्रण कर रहे हैं, हमारा जीवन भगवान के नियंत्रण में है। तो ये जब हम स्वीकार कर लेते हैं, और कृष्ण भगवान को स्मरण करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है भगवान के नाम का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके बहुत सरलता से हम भगवान को याद कर सकते हैं, ये भक्ति की बहुत सरल प्रक्रिया है। प्रभुपाद जी ने आज पूरी दुनिया में प्रचार किया, चेतन महाप्रभु की वाणी है कि भगवान का नाम ही कलयुग का एकमात्र साधन है, और आज विदेशी लोग कर रहे हैं, आप देखिए दुनिया के हर भाषा के लोग, हर देश के लोग जो हैं हरे कृष्ण जप कर रहे हैं जी। अब इतना सब सुनने के बाद मुझे लगता है ऑडियंस बिल्कुल जानना चाहेंगे, जो ये गुप्त वृंदावन धाम है ये कब तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा,
किस रूप में होगा, ये कितने एकड़ में फैला होगा, क्या क्या इसके यूएसपीज होंगे, कितने उसमें बन रहा है, ये तो थोड़ा सा आप उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गुप्त वृंदावन धाम है जयपुर में बन रहा है, जगतपुरा में 6 एकड़ पूरा ये मंदिर परिसर रहेगा, जिसमें बहुत ही भव्य, सबसे 200 फीट ऊंचा ये मंदिर रहेगा और राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर अपने आप में रहेगा। इसकी जो छतरी है वो 110 फीट चौड़ी है, वो दुनिया की सबसे चौड़ी छतरी होगी अपने आप में ये जो यहाँ पर बन रही है। और इसमें 2 बड़े बड़े टावर्स रहेंगे, भगवान बीच में विराजमान होंगे, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर एक तरफ जी जो वृंदावन में है, सेम कृष्ण बलराम बीच में, राधा श्याम सुंदर एक तरफ और गौनिता एक तरफ रहेंगे। और इसमें बाकी जो फ्लोर्स हैं उनमें अलग अलग एक्सपो रहेंगे, ऑडिटोरियम्स रहेंगे, सेमिनार हॉल्स रहेंगे, कैंटीन रहेगा, बहुत बड़ा यहाँ पर रेस्टोरेंट आने वाला है हमारा यहाँ पर, हाईटेस्ट रेस्टोरेंट, वो अन्नकूट रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमारे राजस्थान के की भी जो प्रसिद्ध जो व्यंजन है वो भी भगवान को अर्पित किए जाएंगे और सबको लिए सबको प्रसाद के रूप में परोसे जाएंगे। और यहाँ पर जो है बहुत ही भव्य एक द्वार होगा, मयूर द्वार, 108 मयूर से सुसज्जित रहेगा। तो यहाँ पर जो राजस्थान का जो स्थापत्य कला है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। अब राजस्थान में आप देखिए हवेली कल्चर है, यहाँ पर श्रीनाथ जी की हवेली है या नाथद्वारा में जिस तरह से है, तो उस तरह की कलाकृति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महल भी बड़े बड़े हैं राजस्थान में, बड़े बड़े फोर्ट बने हैं, तो उस तरह की कलाकृति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े हाथी यहाँ पर बनेंगे। और तो राजस्थानी कलाकृति को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और गुप्त वृंदावन धाम जो कि भगवान कृष्ण जो यहाँ पर गोविंद देव जी के रूप में विराजमान है जयपुर में, यहाँ पर राधा श्याम सुंदर भी विराजमान होंगे जो वृंदावन में हैं, अभी जयपुर में भी आने वाले हैं, तो ये 3 साल में तैयार हो जाएगा। 2027 में अक्षय तृतीया के दिन इस गुप्त वृंदावन धाम का उद्घाटन होगा और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे, जितने भी गणमान्य लोग हैं, और भगवान के का कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए और गुप्त वृंदावन धाम की महिमा को बढ़ाते हुए यहाँ पर इस गुप्त वृंदावन धाम में का ये बहुत भगवान सुंदर मंदिर भगवान राधा श्याम सुंदर का बनने जा रहा है। बहुत अब यानी यहाँ तक इतना सब सुन लिया, अब हमारे ऑडियंस बिल्कुल जानना चाहेंगे कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से कृष्ण से कनेक्ट हो, किस तरह से भक्ति करें, किस तरह से गीता का पाठन करें, तो एक लास्ट में क्लाइमेक्स है ना, मुझे लगता है सब लोग जानना चाहेंगे ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो मैं सभी को यहाँ पर एक निवेदन करूँगा आप सबसे, कि आप जो है अपने जीवन जो मानव जीवन को मिला है, कहते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद बहुनाम जन्मना बनते, बहुत सारे जन्म हमारा होने के बाद में आखिर में हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, और उस मनुष्य जन्म में भी ये भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ विशेष रूप से वो बहुत ही पुण्यप्रद है। तो भारत भूमि मनुष्य जन्म हो लो जात, जन्म सार्थक करी, हम सभी अपना जन्म सार्थक करें, अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, और उसके लिए हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, या भगवद गीता का अध्ययन करें भक्तों के साथ, तो जन्म सार्थक करें, ABCD का पालन करें, एसोसिएशन करें भक्तों के साथ, बुक रीडिंग करें, भगवद गीता अध्ययन करें, चैंटिंग करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, डाइट प्रसादम लें, और ताकि जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आज पूरी दुनिया में कहीं भी ये ज्ञान नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, लोग जो हैं कन्फ्यूज़ हैं भगवान को लेकर के, लेकिन इतनी क्लेरिटी भारतवर्ष में है कि भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएँ करते हैं। तो इस भारतवर्ष में आप जिनका जन्म हुआ है विशेष रूप से उनसे मैं निवेदन करूँगा, अपना जन्म सार्थक करें और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे दुनिया के परोपकार के लिए आप आगे आएँ, ताकि पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये तो हमारे साथ सिद्ध स्वरूप दासा जी, नेक्स्ट सीरीज में हम फिर मिलेंगे, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, यहाँ पे गीता जयंती का सेलिब्रेशन होगा, किस तरह से होता है, क्या उसका उद्देश्य रहेगा, किस तरह से लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा।